नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो के अंदर मैंने रिलायंस जो और एयरटेल, ये दो कंपनी मेनली 5G स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शंस मेनली 26 जुलाई से चल रहा था, जो अभी कंप्लीट हो चुका है, वहां पर कितने प्राइसिंग के अंदर कितना स्पेक्ट्रम उन्होंने परचेस किया पूरा डिटेल्स में बताया था। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी VI कंपनी अपने से कितना स्पेक्ट्रम यहाँ पर परचेस किया है, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स मैंने नहीं बताया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी कितने अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम को यहाँ पर परचेस किया है और वो कब अपने 5G को लॉन्च करने वाले हैं और उनका स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आपके और हमारे चैनल टेक स्कैन के अंदर चल रहा एक मेगा गिवअवे, जहां पर आपको मिलने वाला है 2 यूनिट OnePlus 9। तो इस गिवअवे के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक, आपको गिवअवे वाले वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, उस वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करो। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताया था, जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 वहां पर काफी अच्छे परफॉर्मेंस यहां पर किया है, जिसके अंदर अपने ARPU जो है वो 128 रुपए हो चुका है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 124 रुपए था। 4G सब्सक्राइबर बढ़ा है, लोगों का जो डेटा यूजेस है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा है और कॉलिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करता हूँ, सब्सक्राइबर कम को छोड़कर हर एक जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। तो वोडाफोन आइडिया अगर मैं 5G की बात करता हूँ तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेस्टिंग कर रहा था मेनली गुजरात के गांधीनगर और महाराष्ट्र के पुणे। तो टेस्टिंग काफी जबरदस्त तरीके से कर रहा था, बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्पीड जो वो VI कंपनी के अंदर देखने के लिए मिला है। और रिसेंटली ट्राई की तरफ से जो टेस्टिंग को यहाँ पर किया जाने वाला था, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु के अंदर और भोपाल के अंदर, वहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी के 5G का जो स्मॉल सेल्स है वो 1 GBPS से भी ज्यादा का स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड किया। लेकिन फाइनली वोडाफोन आइडिया कंपनी कितने स्पेक्ट्रम को एक्वायर किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी कौन कौन से बैंड को यहाँ पर परचेस किया है, मतलब कौन कौन से बैंड को यहाँ पर बिड लगाया है। दोस्तों, यहाँ पर FDD और TDD दो टाइप के बैंड के ऊपर ही वोडाफोन आइडिया बिड लगाया है। FDD के अंदर पेयर्ड स्पेक्ट्रम उन्हें मिला है और TDD के अंदर मेनली अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम उन्हें मिला है। तो FDD के अंदर 900, 1800, 2100 और 2300 ये 4 MHz बैंड यूनिट जो है वो मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर बिड किया है। और अगर मैं TDD बैंड की बात करता हूँ तो 2500, 3300 और 26 GHz मेनली ये 3 टाइप ऑफ बैंड को वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यहाँ पर बीट किया है। आप स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से सर्किल्स के अंदर कितने अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर परचेस किया है। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप पूरा डिटेल्स जान सकते हैं कि आप जो एरिया के अंदर रहते हैं उस एरिया के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है। देखिए, VI कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आया कि उन्होंने अल्टीमेटली कितना खर्च किया है, क्योंकि एयरटेल और रिलायंस जो के अंदर हमें एग्जैक्ट फिगर पता है कि वो कितना पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है 5G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए। लेकिन VI कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास निकल के नहीं आया, लेकिन VI कंपनी ने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली किया है। उसी के साथ साथ आने वाले 20 साल के लिए वोडाफोन आइडिया कंपनी को यह स्पेक्ट्रम मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया कंपनी का तो बल्ले बल्ले यहाँ पर होने वाला है, लेकिन हर साल उन्हें इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे करना होगा एज ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.2%। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा VI कंपनी को कि वो सक्सेसफुल अगर 5G लॉन्च कर भी पाते हैं तो मेनली वो किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से वो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर किया जाने वाले, क्योंकि VI कंपनी को पता है कि अभी लास्ट चांस है उनके पास ताकि वो भारत के मार्केट के अंदर फिर से कमबैक कर पाए डिफरेंट इन्वेस्टर्स के हेल्प की मदद से। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया मेनली 3 सर्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि ये 3 सर्किल्स वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए टॉप परफॉर्मिंग सर्किल्स है। अगर मैं 3 सर्किल्स की बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब, ये जो 3 सर्किल्स है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाकर देता है और वोडाफोन आइडिया कंपनी ने ज्यादा अमाउंट ऑफ 4G स्पेक्ट्रम और 5G स्पेक्ट्रम ये तीनों सर्किल्स के अंदर एक्वायर करके रखा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू वोडाफोन आइडिया कंपनी को मिल रहा है। दोस्तों, VI कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया, उनकी तरफ से बताया गया, वी बिलीव दैट द अबव स्पेक्ट्रम एक्विजिशन विल एनेबल अस टू स्ट्रेंथन आवर पोजीशन इन आवर की मार्क्स एंड इट अलाइंस वेल विथ आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटेंट। With this, we now have a solid portfolio of spectrum across all bands in all of our priority circles. The circle-wise spectrum holding post the spectrum auctions is annexed here too. तो उनकी तरफ से डायरेक्टली इस तरीके का बात यहाँ पर किया गया है कि उनके पास जो पोर्टफोलियो है, उनके पास जो स्पेक्ट्रम का पोर्टफोलियो है वो काफी सॉलिड है, पूरे भारत को कवर करने के लिए एकदम सफिशिएंट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।
तो वीआई कंपनी की तरफ से जो भी स्पेक्ट्रम को परचेस किया गया और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या कुछ स्ट्रेटेजी होने वाला है पूरा डिटेल्स यहाँ पर मैंने बता दिया। बहुत ही जल्दी हमें हर एक टेलीकॉम कंपनी के अंदर ऑफिशियल 5G लॉन्च देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसका इंतजार तो डेफिनेटली हमें रहेंगे, लेकिन फाइनली कब इंप्लीमेंट यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज करते हैं वो देखने वाली बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा।